वेलकम टू ऑनलाइन स्टडीज। हमने पिछले क्लास में सारणिक मींस डिटरमिनेंट का हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके थे बट क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो आज देखते हैं कुछ एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। इसमें जितना मैं बताऊंगा उसी बेस पे सारा क्वेश्चन बनेगा, तो और अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करेंगे कमेंट पे हम लोग को बताएंगे, फिर हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। जो भी क्वेश्चन अगर डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट पे बताएंगे, ठीक है, तो हम लोग उसको फिर सॉल्व करके तुरंत बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, सारणिक मींस डिटरमिनेंट 2, 4, -1, 2 का क्या करना है हम लोग को, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात कीजिए, तो माना डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू क्या है 2, 4, -1, 2, ठीक है। इसको मानते हैं कि ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, 2, 4, -1, 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब प्रसार करेंगे तो क्या होता है, डायरेक्ट इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक। तो 2 × 2 − 4 × 2, अब बीच में हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। तो 2 × 2 − 4 − अब −4 × −1 ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। और यही क्या है आंसर है जी, कितना इजी है। देखो क्या किया हम लोग, इन दोनों पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 2 × 2 = 4 हो गया, −1 × 4 और बीच में माइनस आएगा तो +4 हो गया, 4 + 4 क्या हुआ, 8 हो गया, ठीक है, समझ आया कि नहीं। आप देखते हैं ये देखो cos x sin x cos x का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो ये भी बहुत इजी है, ठीक। तो माना डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू क्या होगा, cos sin x sin x cos x, तो क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो cos x × cos x बीच में क्या आएगा बोला था मैं, माइनस आएगा (sin x × sin x), ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos x × cos x cos x² x हो जाएगा और (sin x × sin x – sin x) हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला होता है cos²x − sin²x = क्या होता है, cos 2x होता है, ठीक है, cos²x − sin²x = cos 2x, तो वही आंसर है जी, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि AD + BC BD − AC AC − BD + AD + BC = A² + B² × C² + D² हम लोग को क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में प्रूफ करेंगे कि ये आएगा तो हम लोग का सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो माना डेल, ठीक है, हर सारे की तरह इसमें भी क्या लेते हैं, उसको डेल मान लेते हैं, AD + BC और BD − AC और AC − BD और AD + BC, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो किसका किसके साथ होगा, AD + BC और AD + BC, ठीक है, AD + BC और AD + BC इसका हो जाएगा और फिर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा और BD − AC और AC − BD का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, AD × AD A² + B² अब AD और इसके साथ होगा BC, तो ABCD हो जाएगा या फिर तो ADBC हो जाएगा, ठीक है। अब इसका किसके साथ होगा, BC × AD, तो क्या हो गया, ABCD हो गया, ये भी हो गया ABCD, ठीक है। अब इसका BC × BC B² × C², अब मैं क्या बोला था, बीच में माइनस आएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको माइनस को लेके करते हैं, तो अगर BD और AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ABCD हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो इसका ये माइनस के साथ बी और डी है और यहाँ पे बी और डी है, तो −×−+ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² D² हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी −×−, क्या हो गया, प्लस हो गया, अब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A² + C² और प्लस हमेशा प्लस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर लास्ट में किसके साथ होगा, −×−+ +×−− हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा −ABCD, ठीक है। अब देखो यहाँ से ABCD क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे माइनस है दोनों और यहाँ पे प्लस है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे,
कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों में से कॉमन, अब इन दोनों में से एक कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, देखो यही प्रूफ करना था क्या, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, समझ आया कि नहीं, सिद्ध हो गया, ठीक। अब देखो 14वां क्वेश्चन, ठीक है, दिया है x3 5 2x और इक्वल टू दिया है 5 माइनस 4 और 5 और 3, ठीक है, डिटरमिनेंट में। तो हमें क्या करना है, x का यहाँ पे मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे होगा जी, चलो x3 5 2x इक्वल टू माने डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू और 5 माइनस 4 5 3, ठीक है। अब देखो इसका क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x इंटू 2x, ठीक है, और माइनस 3 इंटू 5, ठीक, इक्वल टू, अब इसका भी होगा वैसे ही 5 इंटू 3 माइनस माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू x 2x क्या होगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इंटू 5 क्या होगा, माइनस 15 हो जाएगा, 5 इंटू 3 क्या होगा, 15 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 क्या होगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 15 प्लस 15 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा, 35। अब देखो 2x स्क्वायर 15 को उधर क्या कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो 35 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये नीचे चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50/20 और क्या आएगा, 25 आएगा इसका, 50/20 मीन्स 25, 25 टू जा 50 होता है, ठीक है। अब देखो ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 आया, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा, यह है आंसर, समझ आया कि नहीं, बहुत ईजी है डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स की तरह, ठीक है, और डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स का भी यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे, तो ठीक है, अब देखो 4.2 में आते हैं, ठीक है, 4.2 में क्या दिया है, एक इसमें सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्या ले लिया, 3x3 का ले लिया, आप 2x2 का बहुत इजीली से बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सारणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के सभी शाखंडों का मान ज्ञात कीजिए, शाखंडों का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स मैं पहले ही बताया था कि शाखंड का मान कैसे करते हैं, कोई सा भी लेते हैं, ए टू दी ए आई जे होता है, जहाँ आई क्या होता है, पंक्ति होता है, जे क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक है। तो ए आई जे का क्या लेते हैं, तो माइनस वन के पावर में आई प्लस जे होता है, ठीक है। तो वही है, वही भी मैं बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो ए वन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन के पावर में वन प्लस वन, ठीक है, ए के पावर में आई प्लस जे मैं बताया था, ठीक है। तो आई प्लस जे मीन्स आई प्लस जे, आई क्या है, जहाँ पंक्ति है, ये क्या है, पहला वाला पंक्ति है, दूसरा वाला क्या है, स्तंभ है, फर्स्ट वाला रो है, सेकंड वाला कॉलम है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, तो माइनस वन वन प्लस वन मीन्स ये क्या हो गया, सम आया, वन प्लस वन मीन्स टू, टू क्या में आता है, सम में आता है, इवन में आता है, ठीक है। तो एम वन वन ये क्या है, शाखंड है, ठीक है। तो एम वन वन क्या है, शाखंड, इक्वल टू क्या होगा, 5 6 8 9। अब इसका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि हम लोग ए वन वन ले रहे हैं, ठीक है, ए वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ए वन वन में क्या करेंगे, ए वन वन को छोड़कर मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी को हम लोग लेंगे, ठीक है, जिसको लिखेंगे उसको नहीं लेंगे। वन वन मीन्स पहला कॉलम पहला पंक्ति, इसको नहीं लेंगे, बचा क्या, क्या बचा, 5 6 8 9 बचा, ठीक है, 5 6 8 9। तो अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 5 जा 45 और 8 6 जा 48, ठीक है, बीच में माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो ए वन वन है, ठीक है, अगर ये ए वन टू रहता और अगर ये माइनस 3 आया रहता तो क्या हो जाता, प्लस 3 हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विषम है, ठीक है, विषम जब भी आएगा तो वहां पे अगर माइनस रहेगा तो प्लस होगा, और प्लस रहेगा तो माइनस भी होगा, ठीक है, अगर विषम के केस में आता है, अगर माइनस आता है तो प्लस होगा,
ठीक है, समझ आया कि नहीं? जैसे कि ए वन मान लिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देना है, बाकी जो बचा उसको लेना है। ठीक, आप देखो इसमें क्या करेंगे, ए वन टू, आप ए वन टू में क्या करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम मीन्स पहला वाला पंक्ति को बंद करेंगे, दूसरा वाला स्तंभ को बंद करेंगे। ठीक है, समझ आया कि नहीं? पहला वाला पंक्ति को जैसे बंद कर दिए, दूसरा वाला स्तंभ को बंद कर दिए, ये देखो ये पहला वाला पंक्ति और दूसरा वाला स्तंभ को जब बंद कर देंगे, पहला वाला पंक्ति को बंद कर दिए, दूसरा वाला स्तंभ को बंद कर दिए, क्या बचा, फोर सिक्स एट नाइन, फोर सिक्स सेवन नाइन, ठीक, सॉरी फोर सिक्स सेवन नाइन, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो नाइन फोर जा 36 और सेवन सिक्स जा 42। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस होता है, तो क्या आया, माइनस सिक्स आया। अब देखो मैं जैसे बोला था, क्या हुआ कि मैं बोला था कि ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ऑड आया, ठीक है, विषम संख्या आया, तो अगर चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पे आंसर आ रहा था माइनस सिक्स, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा। ठीक, समझ आया कि नहीं? अब जैसे कि ए वन थ्री, वन प्लस थ्री मीन्स फोर, फोर क्या है, सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे जो भी चिन्ह आएगा उसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो वन थ्री, अब क्या आएगा, वन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ठीक, तो बचा क्या, फोर फाइव सेवन एट, फोर फाइव सेवन एट, ठीक है, तो एट फोर जो 32 और सेवन फाइव जो 35, माइनस क्या आएगा, थ्री आएगा। ठीक है, इसमें साइन में कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक, अब देखो ए टू वन की बारी आई, तो ए टू वन में ए माइनस वन, टू प्लस वन, टू और वन इसको ढक दिए, तो क्या बचा, टू थ्री एट नाइन, टू थ्री एट नाइन। ठीक है, अब देखो टू वन क्या है, टू प्लस वन मीन्स थ्री, ये क्या है, ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे अगर माइनस आता है तो आंसर क्या में हो जाएगा, प्लस में होगा। ठीक, तो देखते हैं टू नाइन जो 18 और एट थ्री जो 21, तो यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री आया। ठीक है, तो ए टू वन क्या है, विषम है, मीन्स माइनस थ्री का क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबका निकालना है, ए टू टू, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निकालेंगे उसको छोड़ देंगे, ए टू टू जैसे लिखे, ए टू बंद हो गया, ए टू बंद हो गया, क्या बचा, वन सेवन थ्री नाइन, वन सेवन थ्री नाइन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नाइन माइनस 21, ठीक है, नाइन माइनस 21 इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा, माइनस 12। अब देखो यहाँ पे ए टू टू है, मीन्स टू प्लस टू फोर, यहाँ पे तो सम संख्या है तो साइन में कुछ चेंजेस नहीं होगा, वैसे ही ए टू थ्री का निकालो, टू ए टू और थ्री क्या बचा, वन टू सेवन एट, वन टू सेवन एट। ठीक, तो फिर क्या होगा, टू थ्री मीन्स विषम संख्या आए हैं। ठीक है, तो एट एट माइनस सिक्स मीन्स एट माइनस फोर्टीन मीन्स माइनस सिक्स बचा, तो अब देखो विषम संख्या है, ए टू थ्री मीन्स फाइव आया, तो विषम संख्या, तो माइनस सिक्स क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। अब ए थ्री वन, ए थ्री वन मीन्स थ्री प्लस वन, माइनस वन टू द पावर थ्री प्लस वन मीन्स क्या होगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये सम संख्या है, इसमें साइन में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, थ्री और वन, थ्री और वन को बंद किए क्या बचा, टू थ्री फाइव सिक्स, टू थ्री फाइव सिक्स, तो सिक्स टू जा 12 और फाइव थ्री जा 15 मीन्स क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा। ठीक है, शाखंड, इसका शाखंड क्या आएगा जी, चलो बताओ, ए थ्री टू, थ्री टू क्या बचा, सिक्स वन फोर थ्री। ठीक है, तो सिक्स इंटू वन सिक्स और फोर इंटू थ्री माइनस 12। ठीक है, तो सिक्स माइनस 12 क्या होगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थ्री टू मीन्स फाइव है, तो ये विषम संख्या है, तो माइनस सिक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री क्या है, सम संख्या है, थ्री थ्री बचा क्या, वन टू फोर फाइव, वन टू फोर फाइव, तो क्या होगा, फाइव माइनस एट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री, चूंकि ये सम संख्या है तो इसका हम लोग को साइन चेंज नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? देखो इसमें करना क्या है, जैसे कि ए वन वन लिए, जो भी लिए, तो जो रो और कॉलम रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, ढक देना है, बाकी सबको सॉल्व करना है, जो बचेगा ठीक है उसको क्या करना है, सारणिक का प्रसार करना है, और अगर इसमें अगर विषम संख्या आया तो उसमें क्या होगा, उसके साइन में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मीन्स उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, और अगर सम संख्या है तो चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है,